दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम आ गए इसी पोल्ट्री फार्म में। यहाँ थोड़ा सा मेंटेनेंस काम है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये निप्पल जो है ड्रिंकर, ये ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसको कम करना है। जैसे कि आप जानते ही हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ मेंटेनेंस से लेकर के और आपके लिए छोटा मोटा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं। देखिए निप्पल का जो है यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, ये पोजिशन जो है यहाँ होना चाहिए। अब इसको हम मेंटेनेंस करवा करके जाएंगे इधर से। और इन्होंने इतना मस्त एसी सेट बनाया है, ऐसा एसी सेट आप कहीं नहीं देखे होंगे। इन्होंने बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लिया है, किसी का प्रोजेक्ट ही चुरा लिया है। ये फार्मर हैं और हम आपको दिखा रहे हैं, इतना अच्छा वेंटिलेशन का इन्होंने काम किए हैं कि लाजवाब है। जैसे हम लोग आप पुणे में मैं रहा हूँगा ब्रीडर सेट में, तो वहाँ देखे होंगे मैं एयर इनलेट लगाया था और साइड में विंडो था और फुल एसी सेट था। सेम उसी का इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है और अपने हाथ से कम लागत में बनाए हैं इन्होंने। जैसे देख रहे हैं दरवाज़ा खिड़की इन्होंने खोल रखे हैं और मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए अपना निप्पल लाइन फीडिंग लाइन, इतना मस्त फार्म का जो है लुक आ रहा है। और इन्होंने कितने खर्च कितने लागत में बनाए हैं, अभी मैं फरहान भाई से बात करूंगा इस टॉपिक पर, आपको बताएंगे। ये देखिए खिड़की, और सबसे बड़ी बात इन्होंने वेंटिलेशन के लिए, देखिए इतना मस्त हवा इधर से आएगा बर्ड के लिए, ठीक है, वेंटिलेशन बिल्कुल नेचुरल होगा। और इधर देखिए इन्होंने एयर इनलेट का वी विंडो को ओपन कर दिया है। इन्होंने एयर इनलेट कहीं से मंगा रखे हैं, शायद दिल्ली उल्ली से बुक कर दिए हैं। इसको टाइमर लगा करके हम चालू कर देंगे अगले बार आएंगे तो। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो थोड़ा सा मेंटेनेंस काम यही था। निप्पल जो है इधर है, जैसे कि हम आपको वीडियो में पहले बता चुके हैं, निप्पल का थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको सही करके निकल जाएंगे। अभी इसका टेस्टिंग नहीं देंगे हम, क्योंकि इनके पास लाइट नहीं है थ्री फेज का, तो टेस्टिंग बाद में देंगे। और वेंटिलेशन से रिलेटेड नॉलेज इनको देंगे, हालांकि इनको वेंटिलेशन से रिलेटेड नॉलेज है। और इधर भी देखिए इन्होंने दरवाज़ा लगा दिए हैं फीड लाने के लिए। और ये रहा अपना विंचिंग। हमारे व्यूवर्स ने पूछे थे कि सर विंचिंग इसका मैकेनिज्म थोड़ा बता दीजिए, तो देखिए अपना विंचिंग मशीन है और ये हैंडल है। इसको जैसे जैसे घुमाएंगे ये जो है ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन जो है ऊपर होगा और नीचे होगा। और मैं वो आएंगे फरहान भाई, तो उनसे मैं खुद बात करूंगा कि इस प्रोजेक्ट का कितना खर्च आया है, कितना लागत आया है, कितना लंबाई है चौड़ाई है। हमको तो जैसे लंबाई चौड़ाई देख करके तो लग रहा है ये 300 के लगभग लंबा लग रहा है और 40 फीट चौड़ा लग रहा है। लेकिन अभी फरहान भाई आ रहे हैं तो उनसे मैं बात करूंगा, आपको बताएंगे इसका कितना कास्ट आया है, खर्च आया है और आप लोगों को कैसे फार्मिंग करना चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, इसीलिए ऐसा सेट उन्होंने एसी सेट बना लिए। देखिए दीवार चला लिए हैं फुली, दीवार चलाने के बाद जो है उन्होंने ये अपना विंडो देखिए, इधर से पूरा नेचुरल हवा आते रहेगा और बर्ड को बिल्कुल नेचुरल एयर कंडीशनर में रहेगा। और सामने हमारा फैन भी है, जैसे देख रहे हैं ब्रूडिंग के लिए पूरा दरवाज़ा क्लोज कर देंगे और ब्रूडिंग के टाइम में अपना 4 नंबर फैन चलाएंगे और ब्रूडिंग करेंगे। अपना एग्जास्ट फैन लगा हुआ है और हम आपको बताएंगे इस फार्म को बनाने में कितना लागत आया, कितना खर्च आया है। और चल करके हम दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, बाहर कैसा इसका लुक है, देखने में कैसा इसका लुक आ रहा है, हम आपको वीडियो में ले चल करके दिखा रहे हैं। दोस्तों यही मेंटेनेंस काम है, निप्पल लाइन जो है अपना एक्स्ट्रा हो गया है और इसको हम थोड़ा सा छोटा करवाएंगे, उसके बाद निकलेंगे इधर से। और फिर जहाँ जाएंगे वो बहुत बड़ी साइट है, गोदरेज कंपनी में जाएंगे, वहाँ नया प्रोजेक्ट है, नया फार्म है। वहाँ पर आपने ऐसा फार्म देखा ही नहीं होगा आज तक, अभी तक इंडिया में ऐसा फार्म ही नहीं बना है जहाँ मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें हैं और मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड। और चलिए दिखाते हैं बाहर का सीन। ये देखिए बाहर का सीन जो है,
ये अपना कूलिंग पैड है, कूलिंग पैड का फिटिंग देखिए, फिटिंग इन्होंने अपने खुद कर लिया है। और बाहर का लुक है, फरहान भाई आएंगे तो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। खिड़की दरवाज़ा कैसे खोल रखे हैं, यार इनलेट बिल्कुल नीचे है, देख रहे हैं वेंटिलेशन लेवल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।